तो आज की जो रेसिपी है वो है पालक चिकन, बिल्कुल होम स्टाइल यानी घर जैसा बनाएंगे। सो कढ़ाई में मैंने लिया है रिफाइंड तेल, और मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। सो इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाला, जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। उसके बाद इसमें हम लेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज डालकर कुछ देर हम इसे टॉस कर लेंगे, यानी कुछ देर हम इसे पका लेंगे। ओके, कुछ इस तरह मिक्स करेंगे। ओके, तो प्याज थोड़ा सा पक चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च। हरा मिर्च डालकर फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, कुछ ऐसे थोड़ा सा मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन पेस्ट, यानी अदरक और लहसुन पीसा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे अदरक लहसुन को, थोड़ा सा उसका स्मेल निकल जाए, फिर हम आगे मसाला डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इन सभी मसाले को डाल के मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है। उसके बाद इसमें हम लेंगे हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मसाला मिक्स करने के लिए, वरना मसाला नीचे जल जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ चिकन। ये चिकन का पीसेस है। चिकन का पीसेस डालकर फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ओके, अब चिकन का पीसेस आपको जितना बड़ा साइज चाहिए अपने हिसाब से कटिंग ले लेना है। सो अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही नमक डालें। कम होगा तो बाद में भी नमक डाल सकते हैं। ओके, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। उसके बाद फिर से इसे मिक्स कर देंगे। तो पूरी तरह मिक्स हो चुका है, अब देखिए। ओके, तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ आलू। ये कच्चा आलू है, क्यूब्स कटिंग है, आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा जितना बड़ा आपको साइज चाहिए, क्योंकि चिकन जल्दी बॉईल होता है। इसके लिए मैंने आलू का पीसेस बिल्कुल छोटा ही कट किया है। तो आलू भी अब मिक्स हो चुका है चिकन के साथ, तो अब इसे बॉईल होने के लिए हम छोड़ देते हैं जब तक ये बॉईल हो। सो अब कुछ देर बाद देखिए कुछ इस तरह का ये कंडीशन है। अभी तक इसमें हमने पानी नहीं डाला है, क्योंकि चिकन से पानी आता है। सो अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी उतना ही डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है ग्रेवी के लिए। सो पानी भी मैंने इसमें डाल लिया है। ओके, तो उसके बाद अब इसको हम बॉईल होने के लिए, पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो अब देखिए चिकन भी अब बॉईल हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ बिल्कुल ही फ्रेश पालक है। पालक को सबसे पहले कट कर लेना है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। ओके, पालक में भी मिट्टी आ जाता है। ओके, तो अब पालक डालकर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओके, तो अब पालक भी मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। ओके, टमाटर अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, पर डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ओके, टमाटर डालकर फिर से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ओके, अब ये मिक्स हो जाए तो फिर इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक टमाटर अच्छी तरह से पक ना जाए। ओके, अब देखिए कुछ देर बाद मैंने फिर से चेक किया, तो अब ये बॉईल हो रहा है। ऑलमोस्ट हमारा पालक और चिकन हो चुका है। सो रेसिपी को शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।